अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स जॉब्स के हवाले से। तो काफ़ी कैंडिडेट के सवालात थे कि न्यू जॉब्स कब अनाउंस होनी है नेवी और एयरफोर्स की, तो मैंने सोचा आपको पर्सनल में एक एक को मैं आंसर कर रहा हूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूँ यूट्यूब पर ताकि सबको पता चल जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं आप लोगों को ऐड के ज़रिए दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ना वैकेंसी अनाउंस होगी आप लोगों की। तो मैं ऐड्स को दिखाता हूं जो एज आ पिछले बैचों के हैं, तो वो एड्स मैं आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें ऐड है नेवी सेलर ब्रेवो, नेवी सेलर अल्फ़ा 24/40/23। ठीक है, अब जो बैच आना है अल्फ़ा 25 सेलर का जो बैच आना है, ठीक है, उसमें जो है मेरीन की वैकेंसी वैसे अगस्त में आनी थी, बट ये है कि वो वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई। लेकिन ये है कि इस बैच में टेक्निकल के साथ वो अनाउंस कर देंगे वो, और वो बैच होगा ब्रेवो 25 या फिर ब्रेवो 24 भी हो सकता है, या फिर वो चार्ली 25 भी बैच कर सकते हैं। वो नेवी वाले खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी तरतीब तब्दील होती रहती है, उनका कोई एक तरतीब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वैकेंसी की बात कर लेंगे कब अनाउंस होगी। अब देखें ब्रेवो 24 की जो है फाइनल लिस्ट की जो है ना बातें चल रही हैं, जैसे ही नेवी सेलर ब्रेवो 24 की फ़ाइनल लिस्ट लगेगी उसके फौरन बाद जो है ना आप लोगों की जो है ना लिस्ट अपलोड हो जाए, मतलब लिस्ट कह रहा हूँ न्यू वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी लिस्ट जैसे ही अपलोड होती है तो, ठीक है। इसमें देखें मोरखा 8 से 22 अक्टूबर, ये जो पिछला अल्फा 24 बैच आया था वो 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक उसकी रजिस्ट्रेशन थी। अब देखें ब्रेवो 24 की जो लिस्ट है वो इंशाल्लाह इसी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 10 डेट तक या 10 डेट से पहले पहले तक जो है ना अनाउंस हो जानी है। फिर उसके बाद आप लोगों की जो है ना जो न्यू वैकेंसी है अल्फ़ा 25 सेलर की, तो वो भी अनाउंस हो जाएगी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स की 24/06, तो 24/06 की जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी वो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक उसकी रजिस्ट्रेशन थी, ठीक है, जिसमें ब्रांचेस थी एरोट्रेड, PF&DI, सिक्योरिटी, MTD, स्पोर्ट्समैन। तो इसमें FMA नहीं थी, मतलब FMA फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जो है ना वैकेंसी नहीं थी। तो इस बार जो है ना हो सकता है कि वो FMA की वैकेंसी दे दें, बट ये है कि उन्होंने जब अल्फ़ा 24/06 में नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने 24/12 में उसकी वैकेंसी अनाउंस कर दी थी, अप्रैल में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसमें लेकिन एरो ट्रेड की वैकेंसी नहीं थी। तो अब इसकी जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो एयरफोर्स की, तो ये 24/25/06 की जो वैकेंसी है वो इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगी, ठीक है, इससे पहले नहीं होनी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को ऐड के साथ प्रूफ के साथ दिखाया कि जो पिछली वैकेंसी अनाउंस हुई थी वो कौन कौन सी डेट को हुई थी, तो उस हिसाब से जो है ना वैकेंसी अब जो अनाउंस होनी है वो भी इसी तरह अनाउंस होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी आप लोगों ने अगर आप प्रिपरेशन करनी है तो मैं इंशाल्लाह 5 अक्टूबर से जो है इंशाल्लाह जो है नेवी सेलर की जो है ना मैं तैयारी शुरू करवाने लगा हूँ, एज आ यूट्यूब पर भी वीडियोस वगैरह अपलोडेड करूँगा, और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है MZForce एकेडमी का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन कर लेना है वो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कह रहा हूँ, ग्रुप्स भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसके बाद जो है व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूँगा, तो वो दोनों आप लोगों ने ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स में जो है ना नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके बाद जो चैनल पर है उधर क्लासेस वगैरह रूटीन हो जाएगी, ठीक है, क्लासेस की रूटीन होगी, उधर क्लासेस होंगी और दूसरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, और अल्लाह हाफिज़।